नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। आज से पहले हमने स्वर संधि देखी। स्वर संधि के हम दो भेद पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने दीर्घ संधि और स्वर संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है। तो जब अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो वो किस में बदल जाता है? बड़े स्वर यानी वृद्धि स्वर आई में परिवर्तित हो जाता है। और यदि अ आ के बाद में ओ या औ आता है तो वो भी वृद्धि स्वर औ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है वो हम देखेंगे। लेकिन जैसे हमने पहचान देखी थी दीर्घ संधि की, गुण संधि की, ऐसे ही वृद्धि संधि की पहचान क्या है? वृद्धि संधि की पहचान है दो मात्राएं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ऐ की कितनी मात्रा लगती है? दो मात्रा। और औ की कितनी मात्रा लगती है? औ की भी दो मात्राएं लगती है। तो जहां आपको शब्द के बीच में औ की मात्रा या ऐ की मात्रा अर्थात दो मात्रा मिल जाए, वहां आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जैसे यह देखिए एक एक है, तो एक एक में कितनी मात्राएं दिख रही है आपको? दो मात्राएं दिख रही है ना। ये देखिए ये दो मात्रा है। धनेशी में दो मात्राएं हैं, हितैषी में दो मात्राएं हैं, मतैक्य में दो मात्राएं हैं, सदैव में दो मात्राएं हैं, तथैव में दो मात्राएं हैं, वसुधैव में दो मात्राएं और टिकैत में भी दो मात्राएं, अर्थात दो मात्राएं इज इक्वल टू वृद्धि संधि, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको तोड़ना। तोड़ना कैसे? आपको जहां पर आपको मात्रा दिख रही है बस उसी मात्रा से आपको इन शब्दों को तोड़ना है, विच्छेद करना है। कैसे करना है? अब यहाँ पर एक एक दिया हुआ है, तो एक एक को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक धन एक। क्या होगा? एक धन एक। और यहाँ क में कौन सा स्वर है? अ, अ। और यहाँ पीछे क्या है? ए। तो हमारी नियम क्या था? अ के बाद में अ या के बाद में ए या आई होता है तो बराबर आई हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका अ और इसका ए दोनों मिलके क्या हो गए? आई हो गए। तो बराबर क्या हो गया हमारा? एक धन एक बराबर एक एक, ठीक है। आगे देखिए धनेशी, वही आई की मात्रा से आपको शब्दों को तोड़ना है। क्या हो गया यहाँ? धन धन ऐशी। क्या हो गया? धन धन ऐशी। फिर हितैषी, वही चीज हित धन ऐशी, हित धन ऐशी, हितैषी, ठीक है। फिर मतैक्य, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है मतैक्य, क्या संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? मत धन ऐक्य। क्या होगा? मत धन ऐक्य। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, जहां आपको प्लस यानी जो पहला पद है, पहले पद में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ अ मिल रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पर अ आ जाता तो कौन सी संधि हो जाती? दीर्घ संधि हो जाती। यदि यहाँ पर ई या छोटी, छोटी या बड़ी में से कुछ आ जाता तो वो गुण संधि हो जाता, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है यहाँ? ए मिल रहा है। यानी जो हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों में से चार मूल स्वरों को छोड़ करके जो बाकी हमारे दीर्घ स्वर हैं, उन दीर्घ स्वरों में ही हमारी स्वर संधि समाहित है, ठीक है। तो हमारे पहले वाला जो था बड़े दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? आ, कौन कौन से? आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये तो थे हमारे दीर्घ संधि के अंदर। फिर ए और ओ किसमें आया हमारा? गुण संधि में। फिर आई और औ किसमें आ गया हमारा? वृद्धि संधि में, ठीक है। किसमें आ गया? वृद्धि संधि के अंदर, ठीक है। तो यही चीज है हमको ध्यान में देनी है कि स्वर संधि में किनका, किन स्वरों का मेल हो रहा है और हमें विकार के रूप में कौन सा स्वर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें सदैव, सदैव में भी आपको दो मात्राएं दिख रही है, ये भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं। सदैव, तथैव, मतैक्य बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सदैव का क्या होगा? सदा धन एव, सदैव। तथैव का क्या होगा? तथा धन एव। क्या होगा? तथा धन एव। वसुधैव, हम वो बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं इसका, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा धन एव, वसुधैव। फिर टिकैत, टिकैत पीका धन एव, ये है और एक है टिक धन एव। अगर आपको विकल्प में दोनों प्रश्न मिलते हैं
तो आप इसका उत्तर क्या देंगे मुझे बताइए। एक ऑप्शन और दे रही हूं आपको, ये आपके तीन विच्छेद किए मैंने, टीका धन एथ, टिक धन एथ और एक टिका धन एथ, टिका धन एथ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन तीनों में से इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अ या आ के बाद में ओ स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, औ के अंदर। कैसे होता है आइए देखते हैं। कुछ शब्द और हैं ऐ की मात्रा के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं कौन से। महेश्वर्य, स्वैच्छिक और लौकेश्वर्य। यहां पर भी देखिए दो मात्राएं हैं, ये दो मात्राएं हैं और ये भी दो मात्राएं, ठीक है। यहीं से आपको शब्द को तोड़ना है। महेश्वर्य, महा धन ऐश्वर्य। यदि आप इसको महाधन ईश्वर करते हो तो ये गुण संधि के अंतर चला जाएगा, ठीक है। शर्त यही है कि यहां पर क्या होना चाहिए वृद्धि संधि में, या तो ए होना चाहिए या फिर आई होना चाहिए। स्वैच्छिक, स्व धन ऐच्छिक, क्या हो गया, स्वैच्छिक हो गया। फिर लोकेश्वर्य, लोक धन ऐश्वर्य, ठीक है। कुछ शब्द ये हैं, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। आपको शब्द दे दिया जाएगा या विच्छेद दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है बताइए, या निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर ये दे देंगे संधि विच्छेद दे देंगे। संधि विच्छेद देकर के आपको इसका संधि पूछ लेंगे कि इस शब्द की संधि क्या होगी, संधि विच्छेद शब्द का संधि क्या होगा, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं ओ की मात्रा वाले शब्द। तो हम ओ की मात्रा वाले, औ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं, ठीक है। औ की मात्रा जलौ, ये देखिए आपको दो मात्राएं दिख रही है यहाँ, औ की दो मात्राएं। फिर यहाँ देखिए जलौध में औ की दो मात्राएं, ये परमौजस्वी में औ की मात्राएं हैं, पर जलौषधि में औ की मात्रा है। आपको दो मात्राएं दिख रही है यहाँ, ठीक है। दो मात्राएं इजिकल टू कौन सी संधि, वृद्धि संधि। महोजस्वी में यहाँ दो मात्राएं है, प्रौद्योगिकी में दो मात्राएं है, महोदार्य में दो मात्राएं, गंगौक में दो मात्राएं। अगर यहाँ महोदार्य की जगह मैं महोदय लिखूं, महोदय कौन सी संधि होगी, एक मात्रा है इसमें, तो एक मात्रा इजिकल टू गुण संधि है हमारी, वृद्धि संधि नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे तोड़े कैसे। तो वही तोड़ना क्या है, आपको जहां मात्रा लिखी हुई है उसी मात्रा से आपको इसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है देखिए, जल धन ओक, अ प्लस ओ इजिकल टू औ, अ धन ओ बराबर औ, ठीक है। जलोध, जल धन ओध, क्या शर्त है यहाँ, अ या आ के बाद में ओ या औ होगा तो बराबर औ होगा। तो यहाँ पे अ और ओ है, यहाँ पे अ और ओ है, ठीक है। परम ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, वही चीज यहाँ पे अ और यहाँ का ओ दोनों मिलके क्या हो गए, औ हो गए। जलौषधि, जल धन औषधि, क्या हो गया, जल धन औषधि। फिर देखिए महोजस्वी, महा धन ओजस्वी, ठीक है। प्रौद्योगिकी, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है प्रौद्योगिकी। इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और संधि कार्य भी किया गया है। तो इस शब्द के अंदर उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और इसके अंदर संधि कार्य भी किया गया है। देखिए कैसे, ये जो प्रौद्योगिक शब्द है इसमें होगा प्र धन औद्योगिकी। आप इस शब्द के अंदर, यानी देखिए ये जो शब्द है आपका प्रौद्योगिकी, इसमें प्र उपसर्ग है, ठीक है। फिर उद्योग और धन इकी प्रत्यय, या इसको ऐसे कर लो इक धन ई प्रत्यय। तो जब इक प्रत्यय पीछे लगता है तो इक प्रत्यय लगने पर आगे वाला जो वर्ण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, आगे वाला जो स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है। ये ऊ जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया,
आउ में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या बन गया, औद्योगिकी। और इसमें आगे प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस शब्द के अंदर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है और हमारा संधि कार्य भी इसके अंदर किया गया। ठीक है, महोदार्य, महा धन औदार्य, और यहाँ पर जो औदार्य शब्द है इसके अंदर भी उदार धन य इसका संधि विच्छेद होगा, यानी कि संधि विच्छेद नहीं कहेंगे इसे, संयोग कहते हैं। इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है य प्रत्यय, तो य प्रत्यय जोड़ने पर भी इसमें जो उ है वो भी उसका भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी उसका जो स्वर है वो भी बढ़ गया। फिर देखिए गंगौक, गंगा धन औक, क्या हो गया, गंगौक। ठीक है, तो ये हमारी वृद्धि संधि थी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संधि के साथ में, हमारी अब बची है संधि अयादि और यण संधि। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, पूरा देखिएगा। धन्यवाद।